दरअसल भारत जो है वो संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो कुछ भी होता है वो संविधान से होता है। और भारतीय संविधान में तमाम जो सहूलतें हैं, जो सरकारी क्या कहते हैं मराहत मिलते हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सब भी संवैधानिक हैं और उनकी भी अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं। इन तमाम सुविधाओं में एक प्रमुख सुविधा है आरक्षण, जिसे रिजर्वेशन कहते हैं। आप रिजर्वेशन की तीन धाराएं हैं, 340, 341, 342। भारतीय संविधान में इन तीन धाराओं के माध्यम से ही सबको, विशेषकर उनको जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग होते हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास जो है किया गया है आरक्षण और रिजर्वेशन के माध्यम से। दुर्भाग्य से आज की तारीख में 10 अगस्त 1950 को जब संविधान लागू हुए मात्र 8 महीने हुए थे, उसी समय उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर, यानी आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन, धार्मिक प्रतिबंध, मजहबी कैद लगा दिया था। ये उसमें कहा गया था कि ये जो आरक्षण है, ये जो रिजर्वेशन है, ये जो सुविधा है, ये जो फैसिलिटी है, ये केवल और केवल हिंदू दलितों को ही दिया जाएगा, अन्य किसी को नहीं दिया जाएगा। उस समय हमारे जो रहबर थे, हमारे जो रहनुमा थे, उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार की। खुदा जाने क्या मसलहत थी और उन्होंने इस पर क्या समझा, लेकिन बाद को सिख मजहब के रहनुमाओं ने आवाज़ उठाई और 1956 में सिख को इसमें इंक्लूड कर लिया गया, यानी कि इस सुविधा में उनको भी शामिल 1956 में कर लिया गया। उसके बाद बौद्ध मत के लोग मैदान में आए और मेशराम बनाम भारत सरकार मुकदमा चला। कोर्ट में बौद्ध मत के लोग हारे, लेकिन लड़ाई जारी रखी। अंतोगत्वा 1990 में बीपी सिंह की सरकार में बौद्ध मत को भी इसमें शामिल कर लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से मुस्लिम और ईसाई इससे वंचित हैं। ये सुविधा जो दिया जाता है, ये धर्म और जाति के नाम पर नहीं दिया जाता, ये सुविधा पेशे की बुनियाद पर दिया जाता है, व्यवसाय के आधार पर, जो सामाजिक पेशे हैं। जैसे कुम्हार, शब्द कुम्हार आते ही आप समझ जाते हैं कि वो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी के सामान वगैरह बनाने वाले लोग हैं। जैसे लोहार, शब्द लोहार आते ही आप समझ जाते हैं कि लोहे के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उसको वो बनाने वाले लोग हैं। शब्द नाई आते ही आप समझ जाएंगे कि ये बार्बर हैं, ये बाल काटने वाले लोग हैं। धर्म आप नहीं पूछेंगे, नाई बोलते आप समझ जाएंगे, लोहार बोलते आप समझ जाएंगे, धोबी बोलते आप समझ जाएंगे। आप इस तरह से जो पेशा है, जो सोशल पेशा, सामाजिक पेशा, इसका जात और धर्म नहीं होता है। और जो सूचियां बनाई गई थी 1936 में, तो जात और धर्म को देखकर नहीं बनाया गया था। सूचियां बनी थी पेशे को सामने रखकर कि कोई अगर जूता बनाता है, जूता सिलता है, चमड़ा साफ करता है, चमड़े का को उपयोग के लायक बनाता है, कोई अगर क्या कहते हैं कपड़ा धुलता है, कोई अगर बाल काटता है, कोई अगर कपड़े बुनता है, कोई अगर कपड़े सिलता है, तो उसको ये माना जाएगा कि ये लोग समाज में मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो उनकी एक सूची बनी थी और तीन कैटेगरी तय किया गया था, एससी, एसटी और ओबीसी, 340, 341, 342। वो सोशल स्टेटस को देखकर उनके कैटेगरी को तय किया गया था और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन जब ये पाबंदी लगी तो अब धोबी अगर हिंदू है तो वो सरकारी सुविधाओं का लाभ लेगा, और अगर मुस्लिम है तो उस लाभ से उसको वंचित रखा जाएगा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का ये मानना है कि दोनों एक ही घाट पर कपड़ा धो रहा, एक राम है और एक रहीम है। आखिर भारतीय संविधान में इस तरह का प्रावधान कैसे हो गया कि दोनों एक घाट पर कपड़ा धोने वाला, एक घाट पर खड़ा होकर बात करने वाला, और दोनों को दो तरह की सुविधा मिले। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 ये बताता है कि किसी के भी साथ धर्म और जाति और लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्विलिटी बिफोर लॉ, तो फिर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये क्यों है?
तो हम लोग यही सरकार से निरंतर मांग करते रहे। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 से सड़क से लेकर सदन तक इसको उठाती रही। सन 2000 में बिहार विधानसभा से इसको पारित करवाया गया, 2005 में उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित रिकमेंडेशन हुआ, सेंट्रल को भेजा गया, सेंट्रल कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, बहसें हुई, लेकिन दुर्भाग्य से सेकुलर कहलाने वाली पार्टियों ने, जिसने ये बीमारी हम पर थोपा था, यानी 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो सेकुलर शब्द के जन्मदाता भी कहे जा सकते हैं, उन्होंने ही ये धार्मिक भेदभाव शुरू किया था। और आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार धर्म शब्द संवैधानिक अगर किसी ने कराया तो ये श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को ही जाता है। और वहां से धर्म की राजनीति शुरू हो गई, यानी अमुख को देंगे और अमुख को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे मुस्लिम को नहीं, सिख को देंगे मुस्लिम को नहीं, बौद्ध को देंगे मुस्लिम को नहीं, इसको देंगे ईसाई को नहीं। ये बातें अगर संविधान में आ गई और उसको समाहित कर दिया गया तो ये बहुत एक तरह से संविधान पर, भारतीय संविधान पर काला धब्बा है। जब तक ये मिटा नहीं दिया जाता है तो संविधान की मूल आत्मा जो है वो पाक और साफ नहीं हो सकती है। तो इसलिए मोर्चा निरंतर ये लड़ाई लड़ रहा है कि जो मौलिक अधिकार हमारे हैं, जो आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 21 है, 25 है, इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो जब सेंट्रल कैबिनेट में बहस हुई तो उस वक्त की सेकुलर सरकार, यानी कि यूपीए की सरकार ने भी इसको वहां तक पहुंचने नहीं दिया जहां से वोटिंग होकर ये पास हो जाता, उसमें रोड़े अटकाए गए। ये लोगों को जानना चाहिए कि हमने सेकुलर और कॉमनल के नाम पर यहां पर दशकों वोट दिया और कई दशक तक लोग सेकुलर के नाम पर यहां हुकूमत बनाते रहे, मौज करते रहे, लेकिन हमारा जो मौलिक अधिकार था, जो संवैधानिक अधिकार था, जो एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों में है, जो इस पेशे से जुड़ी है, आज जूता चप्पल बनाने वाले की बड़ी तादाद, लोग कहते हैं कि जन्म के आधार पर जाति, जैसे आप एक शब्द कहते हैं कि जूता चप्पल बनाने वाले को चर्मकार कहते हैं, रविदासी कहते हैं, गांव में चमार कहते हैं, जाटप भी कहते हैं, लेकिन नहीं, आज भारत में सर्वाधिक जूता चप्पल बनाने वाले मुसलमान हैं। तो पेशे की बुनियाद पर जब मिला था तो उनका अधिकार था। सर्वाधिक चमड़े का कारोबार, चमड़ा छिलने वाले, साफ करने वाले, धुलने वाले और उसको उपयोग में लाने लायक बनाने वाले, बड़ी आबादी भारत की मुसलमानों की है। कचरा चुनने वाले, दिल्ली जैसे महानगर में दसियों महल्ले बसे हुए हैं झोपड़पट्टी के, जहां सिर्फ कचरा बीनने वाले लोग हैं और टोटल के टोटल मुसलमान हैं। तो मुख धारा से कटने के कारण, पेशे की बुनियाद पर सहूलत न मिलने के कारण, अगर किसी का बाप कचरा बीन रहा था तो बेटा भी उसके साथ कचरा ही बीन रहा है। उसके सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आया, कारण 341 पर धार्मिक प्रतिबंध है। तो न सामाजिक स्थिति बदली, न राजनीतिक स्थिति बदली, न आर्थिक बदली, न शैक्षणिक बदली, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से सेकुलरिज्म के नाम, फरेबी नारे में हम इतना उलझे थे कि हम इस लड़ाई को जीतने में विफल रहे। अंतोगत्वा यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई है। PIL नंबर 180/2004 आप पीछे देख रहे हैं, इससे पहले वहाँ आप देखेंगे कैमरा घुमाकर, प्रोटेस्ट बिफोर CJI रैपिड हियरिंग, एक बार कैमरा आप लोग घुमा देंगे, रैपिड हियरिंग PIL नंबर 180/2004। हमने ये जो जब CJI रंजन गोगोई थे तब भी यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जो मैंने मंडी हाउस से लेकर हम लोग संसद मार्ग तक गए थे, कई हजारों की तादाद में लोग थे और हमने यही मांग किया था कि जिस तरह से आप अयोध्या डिस्प्यूट को तेजी से सुन रहे हैं, इसी तरह से हमारे इस मुकदमे को भी तेजी से सुनिए। चूंकि अयोध्या डिस्प्यूट हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2010-11 के बीच में आया था और ये 2004 से मुकदमा चल रहा, और दोनों, अगर अयोध्या को आप कह रहे थे, वो जो कह रहे थे वो हो भी गया, आप कह रहे थे जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो भावना के आधार पर हो भी गया, कोई बात नहीं है, हम लोग तब भी कह रहे थे कहिए,
लेकिन 341 भी जनभावनाओं से जुड़ा है। एक बड़ी आबादी जो कचरा चुनती है, जो झाड़ू देती है, जो जूते चप्पल सिलती है, जो कपड़े धोती है, जो बाल काटती है, जो समाज में निचले पायदान पर है, उनके अधिकार की लड़ाई अगर सुप्रीम कोर्ट में 10-10, 15-15, 16-16 साल आप इस बैनर पर देखेंगे, हम लोग ये लिख रहे हैं 16 ईयर्स लगभग हो चुके हैं और बिल्कुल हियरिंग नहीं हो रही है, बार बार रिव्यू पिटीशन डाला जा रहा। तो हम लोग CJI से विनती करने के लिए हर पिछले 10 अगस्त को भी गए थे, उससे पहले भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव किया था। अब फिर हम लोग आज चुके कोरोना काल है, नियमों का पालन करते हुए हम लोगों ने कहा कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई धरना नहीं, अपने कार्यालय में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लोगों के माध्यम से CJI जी तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि गरीबों के मुकदमे को भी सुनिए। और ये बड़ी आबादी प्रतीक्षा कर रही है, न्याय के मंदिर की ओर देख रही है कि आप इनको भी न्याय दीजिए, ताकि मुख्यधारा से इनको भी जुड़ने का अवसर मिले। ये तो सुप्रीम कोर्ट से मांग है। दूसरी मांग भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से है कि आपने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपने देश के बड़े तबके को उनके भावनाओं को देखते हुए उनको आपने सम्मान और क्या कहते हैं उनकी मंशा पूरी कर दी है और हम लोगों ने उसमें आपका साथ दिया, कहीं बाधा हमने उत्पन्न नहीं किया, हमने सहर्ष स्वीकार किया। जब आपने बड़े भाइयों को सम्मान दे दिया है तो फिर भारत में छोटे भाइयों को वरदान स्वरूप आप 341 पे लगे धार्मिक, चूंकि कोर्ट के अलावा अगर संसद चाहेगी तो वो भी कर सकती है, बल्कि वो आसान तरीका है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोग विनती करते हैं कि आप संसद में इस बिल को लाएं। आपने अनेकों बिल लाए, आपने 370 का बिल लाया, हमने तब भी कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 370 नेहरू जी की गलती थी, हम उसको सुधार रहे हैं, तो मोदी जी 341 भी नेहरू जी की गलती थी, इसको भी आप सुधार दीजिए, हम आपके आभारी होंगे। और यदि वोट मकसद है तो भारत का वो दलित मुसलमान, यदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये काम करते हैं तो यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है, कहना है कि हम वोट भी आपकी तरफ ट्रांसफर कराएंगे, लेकिन शर्त है कि हमारे इस काम को आप करें। तो आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है और सबका विश्वास का, तो भारत का दलित मुसलमान आपसे विनती करता है कि आप हमारे इस मांग पर गंभीर हो जाएं। आज हम लोग उनको मेमोरेंडम के माध्यम से भी ये विनती करेंगे कि इस पर जो है थोड़ा सा गंभीर होइए। कई करोड़ आबादी, 70% जो मुसलमानों की आबादी है वो मेन स्ट्रीम से कटी हुई है, मुख्यधारा से कटी हुई है। मुख्यधारा से अगर ये नहीं जुड़ेगा तो देश कैसे विकास करेगा, विश्व गुरु बनने का सपना कैसे साकार होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस लड़ाई को प्राथमिकता के आधार पर लड़ने का काम किया है। लड़ाइयों तो बहुत सारी लड़ाइयाँ देश में हैं, लोग राजनीति करते हैं, अपना भविष्य ढूंढते हैं, हम लोगों ने अपने भविष्य को समाप्त कर दिया, हमें नहीं कुछ बनना लेकिन समाज के लिए कुछ कर जाना है, और ये सामाजिक लड़ाई है। हमें कुछ नहीं आप बनाइए, MLC मत बनाइए, MLA मत बनाइए, विधायक मत बनाइए, सांसद मत बनाइए, कहीं मत भेजिए किसी बोर्ड में और निगम में, बस 341 पे लगे धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त कर दीजिए ताकि समाज का कल्याण हो जाए। जीवन भरा आपका आभार प्रकट करता रहूँगा, यही संदेश देने के लिए आप लोगों को बुलाया था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे मौलाना मुर्तजा अल हुसैनी साहब हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और मेरे बारे में आप लोग जानते हैं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हाफिज़ गुलाम सरवर साहब, मुफ्ती शादाब हुसैन कासमी साहब हमारे हैं और ये दिल्ली में इंचार्ज हैं, और हमारे भाई इरफान दहलवी साहब, इरफान सलमानी साहब हैं, और हमारे सम्मानित साथी हैं, हम लोगों के मनोबल को बढ़ाते रहते हैं इस लड़ाई में, इस कारवां में। इंशाल्लाह दिल्ली को लीड करेंगे, ये उम्मीद इनसे हम लोगों को है कि लीड करेंगे, और पूरे निचोड़ को ये समझते भी हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाली जो लड़ाई होगी वो नेताजी जो समाज के लिए पहले से समर्पित हैं, इरफान दहलवी साहब एक नाम है क्योंकि अपने समाज के कन्वीनर हैं, पूरा सलमानी समाज जो राष्ट्रीय एक संगठन है, तो मैं समझता हूं कि 341 की लड़ाई में अगुवाई करेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद हम रखते हैं, और आज इसी के लिए ये आए भी हैं मोर्चा के दफ्तर में। हम लोगों को इनका पूरा समर्थन प्राप्त है, कई बिरादरियों के जो संगठन हैं उन तमाम संगठनों ने ये वायदा किया है कि जब ये मामला सामान्य हो जाएगा तो हम लोग पूरी ताकत लगाकर सरकार से बात करके ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो है इस काम को कर दे,
ताकि देश में सांप्रदायिक राजनीति का खात्मा हो जाए। जी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपका पूरा संगठन पूरे देश में चल रहा है, आप हमें ये बताइए 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए इस मुद्दे को, जैसे आपने बताया है उन सभी बातों पर अगर रोशनी डालते हैं तो 70-71 वर्ष के अंदर हमेशा से साथ कांग्रेस का मुस्लिम समाज ने दिया है, तो क्या मुस्लिम समाज को ये पता ही नहीं पड़ा कि उनकी गर्दन काट दी गई, उनको बर्बाद कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा, और फिर भी वोट मुसलमानों का कांग्रेस को ट्रांसफर होता रहा, इसका जवाब दे कौन है? देखिए, मैंने कहा आपको 10 अगस्त 1950, सारे पोस्टर बैनर को देखेंगे, जब शुरुआत में बच्चा पैदा हो और उसी वक्त आप उसको मैंने न पोषक आहार दें, न अच्छा गुरु दें, न अच्छे मैंने वस्त्र दें, तो समाज के या घर के या खानदान के किसी काम का वो होगा? वो तो जिंदगी भर बीमार रहेगा, क्योंकि उसे पोषक आहार जिस समय मिलना चाहिए था नहीं मिला। देश 47 में आज़ाद हुआ और अफरा तफरी का माहौल था, और 50 में ये घटना घटा दी गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, यानी अब आस जगता है कि संवैधानिक व्यवस्था बनेगा, जिसका जो अधिकार है वो मिलेगा, और 8 महीने बाद कांग्रेस ने पहले इस बच्चे को, जो ये समाज है जिसकी लड़ाई बात हो रही है अभी, तो समाज के जिम्मेदार लोगों को, अब मैं बता रहा हूँ, तो जब इनका पोषण छीन लिया गया, इनकी दवा, इनकी पढ़ाई सब छीन ली गई, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आना था वो तो अपने आप मैंने लगड़ा लूल्हा बहरा पैदा होना था, तो कौम की अभी की जो आबादी है वो उसी की प्रोडक्ट है, जो उससे पहले वाले खाए पिए थे उनको कांग्रेस ने अच्छी जगह पर पहले ही रखा, उनके खानदान के लोग आज भी अच्छे हैं। आप देख लो कांग्रेस के जितने भी कैबिनेट में मंत्री थे उनके उनके फैमिली के हिस्ट्री को आप निकाल लो, वो सब के सब जो मिलेंगे, कोई मौलाना आज़ाद के खानदान के होंगे, तो कोई फलां के खानदान, ज़मीन से उठा हुआ कोई मुस्लिम कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा अंतरी मंत्री संतरी नहीं बना, कांग्रेस का ये इतिहास रहा। बहुत ज़्यादा कोई हल्ला किया, आपके सलमानी समाज से कोई उठा तो पता चला कि फलां उठ रहा तो उसको उठा लिया, किसी आयोग वगैरह में सेट करके उसको चुप किया, कोई मंसूरी समाज से उठा उसको आयोग में रख लिया, चुप कर दिया। अच्छा, हमारे लोग आयोग में मेंबर बनने के बाद ही ये समझते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री अब हो गया, अब इससे बड़ा बड़ी कोई चीज़ नहीं है, यानी तसल्ली इतने में हो जाती, क्योंकि हम गरीब आदमी को अगर फ्लैट मिल जाए क्या कहना, स्वर्ग है। तो हम तो पॉलिटिकल बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। यह बात समझ में आती है, पर ये तो बताइए कि हम कितने सारे मदरसे हैं आपके, इतने सारे इदारे हैं आपके, बड़े बड़े दावे करते हैं आप लोग के हमारे आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, बड़े बड़े जलसे होते हैं, उन जलसों से ये बात क्यों नहीं निकल के आती कि मुस्लिम कौम जाग जाए? आप आज के दिन ये सवाल नहीं करें, क्योंकि मैं लोगों से अपील करता हूं कि भावनात्मक बात न की जाए, जज्बाती गुफ्तगु न की जाए। मैं अक्सर अपील करता हूं, लेकिन मैं भी जज्बाती हूं, और मैं जब जज्बात में आता हूं और सच बोलता हूं तो फिर बहुत कड़वा हो जाता है, इसलिए इस विषय को आज नहीं छेड़ेंगे। एक बात बिल्कुल याद रखनी है कि मुस्लिम लीडरशिप को, मैंने पिछले 3 दिनों पहले भी ये कहा था, बिल्कुल जो एलीट सेक्शन है, जो परम्परागत नेतृत्व है, जो पहले से थोपा हुआ लीडरशिप है, उसको हर हाल में किनारा करना पड़ेगा। बगैर किनारे किए हुए मेरे किसी भी मसले का हल कभी नहीं हो सकता है। अगर मसले का हल हम चाहते हैं तो हमें न्यू लीडरशिप जेनरेट करना पड़ेगा, जो आज के परिवेश में फिट बैठता हो, आज के वातावरण में सबको लेकर चलने की क्षमता रखता हो। आप जज्बाती तकरीर करके भावनाओं को भड़का के विधायक सांसद तो बन सकते हैं, मगर समाज को कुछ दे नहीं सकते, उसको दिशा नहीं दे सकते हैं। दिशा देने के लिए आपको धरातल पर आकर उनकी वास्तविक समस्याओं को समझकर फिर रोड मैप बनाकर आप चलेंगे, तब जाकर आप समाज को कुछ देने की स्थिति में होंगे। वो चीज़ दुर्भाग्य से नहीं हुआ। डॉक्टर एजाज अली साहब इस रास्ते पर जब चले, तो एक बात आपको बता दूं कि 341 को भारत में कोई जान नहीं रहा था। डॉक्टर एजाज अली ने 1994 से जब इस लड़ाई को लड़नी शुरू की, तो आज भारत के कोई ऐसे लीडर नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सारे लीडर अमित शाह जी भी जानते हैं 341 क्या है। मैं जब कानून मंत्री रविशंकर जी के पास गया, मैं और डॉक्टर एजाज अली साहब था, ये सुना रहा हूँ आपको, गेट खुलते ही रविशंकर जी ने कहा, डॉक्टर साहब सुन लो, पहले 341 की बात मत करना, बाकी बात करो, आ जाओ। अब आप समझो 341 को किस तरह से लोग जानते हैं। ये डॉक्टर एजाज अली का कारनामा था कि देश का कानून मंत्री कह रहा 341 की बात मत करना, अभी आप आओ चाय पियो।
मैंने अभी हम लोग बैठे भी नहीं थे, गेट पे ही बोल दिए डॉक्टर साहब आओ मगर 341 की बात मत करना। तो ये चीज़ मौलाना महमूद मदनी साहब, जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब, जमात इस्लामी, जमीयत अहले हदीस और तमाम जमीयत के मैनिफेस्टो को और हैंडबिल को आप पढ़ें, किसी न किसी पॉइंट पर 341 लिख रहे हैं। ये डॉक्टर एजाज अली की मेहनत का नतीजा है, वरना इन लोग 341 लिखना और बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अब लिखने और बोलने लगे हैं। हम लोगों का कहना है कि एक मांग केवल और केवल, एक लड़ाई केवल और केवल, बस मैंने नहीं कोई लड़ाई नहीं, मैंने हम कोई लड़ाई भारत में लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक लड़ाई लड़ना है, 341 पे धार्मिक प्रतिबंध समाप्त होना चाहिए। ये सारे संगठनों से फिर आह्वान कर रहे हैं। और ये जो हो रहा है, खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं और मौत का बहाना हो हम उनके घर जाएं, ये तंजीम के लोग जो आजकल कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि दंगा हो जाए ताकि हम बांटने जाएं उनको राशन पानी, अल्लाह करे कि सैलाब आ जाए कि हम ऑनलाइन चंदा करें, और ये धंधा हम लोग नहीं करते हैं। हम न दंगा फसाद में जाते हैं, न क्या कहते हैं बाढ़ और सुखाड़ में जाते हैं। हमारे तंजीम के लोग जहाँ भी हैं वो अपने स्तर से गरीबों की मदद करते हैं, ढकोसलेबाजी और फोटोग्राफी नहीं करते हैं और न चंदा करते हैं। हम देश के सभी लोगों से केवल एक विनती करते हैं कि 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को अगर समाप्त नहीं कराया गया तो आने वाला दिन इससे भी बुरा होने वाला है। और ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, आप ये देख लो पीछे हमारे एक बैनर है जिसमें हमने ये समझाने की कोशिश की है, वहाँ भी एक बैनर है, आप उसको भी देखेंगे। ये 341 से अगर धार्मिक प्रतिबंध खत्म होगा तो दंगे फसाद पर ब्रेक लगेगा। जो SC ST एक्ट का नाम आपने सुना होगा, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जो है, वो आर्टिकल 341 है वो, और इस पर प्रतिबंध लगने के कारण सुरक्षा से भी हम बाहर हो गए। कोई भी आता है मार मियां को मार कटुआ को रोड पे मार रहा है, या तो जय श्री राम बोल नहीं तो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोल। अभी हुआ ना भाई, अभी जयपुर में घटना हुई पता है ना आपको, तो ये घटनाएं लिंचिंग की और तमाम तरह की तब तक होती रहेंगी जब तक के सुरक्षा का विशेष कानून कवच आपको नहीं मिल जाए, और वो मिलेगा आर्टिकल 341 से। तो आरक्षण, सुरक्षा, राशन, पढ़ाई लिखाई, दवाई, मुख्य धारा से जुड़ने का मार्ग मात्र और मात्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाना है। जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटेगा भारत का बहुत बड़ा वर्ग मुख्य धारा से कटा रहेगा।